जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का भाग करने वाले हैं, और ये जो हिंदी का भाग है वह आपके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से है, और ये जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है वह है SSC GD कॉन्स्टेबल का, और ये जो पेपर है वह आपके विभिन्न एग्जाम में उपयोगी सिद्ध होगा, चाहे आप ट्रेडमैन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कहां कहां पर काम आएगा? आपके CISF, BSF, CRPF, असम राइफल, ITBP, NIA और SSB के विभिन्न परीक्षा में काम आएगा। इन सभी परीक्षा में इसी प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हिंदी के 13वें मॉडल सेट को शुरू करते हैं। इसमें कुल 25 प्रश्न हैं, प्रत्येक का जवाब मैं दूंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको देना है। तो जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? श्याम को रोगी पर डैश आ गई। ऑप्शन है आपके दया, अनुकंपा, क्षमा और कृपा। जल्दी से बताइए क्या होगा? श्याम को रोगी पर दया आ गई। यहाँ पर एक भावना है दया की, वो उभर कर आ गई, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। वाक्यांश क्या है? प्रार्थना या निवेदन करने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना करता है या किसी भी कार्य के लिए निवेदन करता है आपसे, वह कहलाता है प्रार्थी। तो प्रार्थी ढूंढना है आपको, पौरव संयुक्त आकार थ दीर्घिकार ऊपर रे, ठीक है, जो कि यहां पर डी में दिया गया है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब देख लीजिए तीसरा आपका दिया गया है, विशाल का विलोम शब्द होगा। विशाल बहुत बड़ा, उसका छोटा रूप लघु हो जाएगा। तो विशाल का जो विलोम शब्द होगा वह आपका लघु होगा, जो कि यहां पर थर्ड के ए में दिया गया है, इसलिए थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चौथा आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और हमें इसका वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि हो। क्या दिया गया है? मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। देखिए, मैंने सारा माल जो है उसके हाथ बेच दिया, सिर्फ ये होना चाहिए था, मैं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो मैं जो है यह त्रुटिपूर्ण वाला हिस्सा है, ढूंढिए जहां पर मैं लगा होगा वह हिस्सा त्रुटिपूर्ण होगा। तो बेच दिया है मैंने सारा उसके हाथ में, तो ये डी वाला उत्तर आपका हो जाएगा कि यह जो है यह आपका त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़े, पांचवा आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। क्या दिया गया है? रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। देखिए, ये बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, यहां पर क्या होना चाहिए? रात 10 बजे, ठीक है, रात 10 बजे से नहीं होना चाहिए, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से, ठीक है, दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, से नहीं का ढूंढिए, ये देखिए से वाला है तो गलत हो जाएगा, यहां पर से है ही नहीं, रात 10 बजे तक का प्रयोग नहीं होगा, रात 10 बजे कॉमा दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, ये बी वाला, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पांचवा का उत्तर आपका बी हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़े, छठा आपका दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द आपको यहां पर देना होता है, और शब्द क्या है? युक्ति। युक्ति क्या होता है? कोई उपाय लगाना, किसी भी कार्य के लिए तरकीब ढूंढना, वह कहलाता है युक्ति। तो यहां पर देखिए, संलग्न, युक्त, जुड़ा हुआ और उपाय, उपाय आपके डी में दिया गया है, इसलिए सिक्स का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। सातवां आपका दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यहां पर दिया गया है कोयल, तो कोयल इसका समानार्थी होता है कोकिला, ठीक है, ये देखिए आपके ए में ही दिया गया है, तो सेवन का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़े, आठवां देख लीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है? उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। जब किसी के बारे में हम बताते हैं तो वह बोध कहलाता है, लेकिन व्याकरण का अच्छा ज्ञान होगा। यहां पर बोध नहीं होना चाहिए, व्याकरण का अच्छा ज्ञान होगा। ठीक है, तो ज्ञान ढूंढिए, देखिए समझ ज्ञान आपके बी में दिया गया है, तो एट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नौवां आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है? रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया। अब आप यदि रोगी हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या लेंगे? विचार विमर्श, उनका परामर्श लेंगे कि सही उपचार क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिए, जो कि यहां पर ए में दिया गया है, तो नाइन का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। दसवां देख लीजिए, दिया गया है ऊपर की ओर जाने वाला, तो ऊपर की ओर जो चीजें जाती हैं उसको ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। अधोगामी, प्रतिगामी, आगामी, ऊर्ध्वगामी, ये आपके डी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? टेन का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? 11 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। यहां पर आपको दिया गया है वनस्पति। ठीक है, वो नौ स्वपोषणयुक्त तो हर्षिका वनस्पति। वनस्पति क्या होता है? ये विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सही वर्तनी वाला है वनस्पति, वह आपका 11 के डी में दिया गया है, तो 11 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 12वां आपको दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहां पर क्या दिया गया है? प्रहलाद। कैसे लिखा था प्रहलाद? प्र हो आधा। ठीक है, हो जो होगा हाफ होगा, लो आकार दो, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आपको यहां पर ऐसा भी देखने को मिल सकता है लो इसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार से भी देखने को मिल जाएगा। तो यदि ये दोनों आपको देखने को मिले तो ये दोनों आपके सही होंगे। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, प्रहलाद। ठीक है, आगे बढ़े। 13वां आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था, तो वृक्ष की वैसी डालियां जो सूख जाती है वही काटी जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सूखी डाली, सूखी डाली काट रहा था, सामान्य सूखी। यहां पर हर्षु की मात्रा है, यहां पर दुर्गु होना चाहिए, तो दुर्गु वाला आपके डी में दिया गया है, इसलिए 13 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 14वां आपको दिया गया है, आग में कूदना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो आग में कूदना, इसका मतलब होता है जान जोखिम में डालना। कोई ऐसा काम जो आपको अत्यंत प्रिय है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आग में कूद जाते हैं। इसका मतलब होता है कि आप अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आग में कूदना मतलब जान जोखिम में डालना। ठीक है, आगे बढ़े। 15वां आपका दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यहां पर दिया गया है कलेजा ठंडा होना। जब एक पुत्र अपने पिता से मिलता है तो पिता का कलेजा ठंडा हो जाता है। इसका मतलब है कि उनके मन को शांति पहुंचती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, मन में शांति होना। ठीक है, समझ गए यहां तक? यदि आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है तो नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक नीचे है, और यदि आपको वीडियोस देखने हैं इन सीरीज के तो उसके भी लिंक आपको नीचे दिए गए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 16वां आपको दिया गया है, चंद्रमा के समान मुख वाला, ऐसा व्यक्ति जो चंद्रमा के समान मुख वाला होता है उसको चंद्रमुख कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रमुख देखिए आपके डी में दिया गया है, यह आपको समास में पूछा जाता है और समास का यह विग्रह हो जाता है, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। 17वां आपको दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम ढूंढना है। निर्मल, जो साफ सुथरी चीजें होती हैं उनको निर्मल कहा जाता है, तो गंदी चीजें मलिन कहलाता है, तो मलिन ढूंढना है आपको। ठीक है,
यहां पर साफ सुथरा होता तो गंदा होता, निर्मल है इसलिए मलिन होगा। तो 17वां का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 18वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चयन करें। क्या दिया गया है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। यहां पर क्या होना चाहिए था, रेलवे के कई, ये आपको यहां पर लगना चाहिए था, कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तब जाकर यह वाक्य जो है शुद्ध होता। त्रुटि कहां है आपके, कई रेलवे के में, तो कई रेलवे के आपको बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 18वां का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें त्रुटिपूर्ण चीजें निकालनी है। आगे बढ़े। 19वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। क्या दिया गया है, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, भाई साहब ने। यदि यहां पर आप ने का प्रयोग कर दो तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा, भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। ठीक है, तो ने का प्रयोग हुआ, तो जो प्रतिस्थापित करना है वो ढूंढिए, ये दिया गया आपके सी में, भाई साहब ने। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े। 20वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चयन करना है। क्या दिया गया है, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं, गायकी हैं, यहां पर गायिका होगा क्योंकि शकीला है, यहां पर क्या हो जाएगा, गायिका। ठीक है, तो यहां पर ये प्रयोग होगा, तो गायिका जो है यह त्रुटिपूर्ण वाला हिस्सा है, तो गायकी है आपके सी में दिया गया है, तो फिलहाल उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 20 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 20 प्रश्न हो गए, अब गाद्यांश वाले प्रश्न हैं उनको देखते हैं। गाद्यांश आपका दिया गया है, भारत वर्ष डैश है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक डैश ही अपने को डैश कराती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में क्या होगा, भारत एक है। ठीक है, यदि एक यहां पर दिया गया है तो वो आप उपयुक्त विकल्प के रूप में चयन कर सकते हो, भारत एक है। ठीक है, भारत एक है और देश में चाहे जितनी भी भाषाएं हों लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा, ठीक है, अपने को अभिव्यक्त कराती है। यहां पर ये चीजें होनी चाहिए। गाद्यांश पढ़ते हो, यदि गाद्यांश पढ़ोगे तो आपको अपने आप ऑप्शन सारे मिलते जाएंगे। सेकंड में देखिए क्या दिया गया है, निष्ठा आत्मा प्रतिष्ठा परमात्मा, क्या हो जाएगा, भारत की एक ही आत्मा। ठीक है, एक ही आत्मा, तो आत्मा आपके बी में दिया गया है, तो 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, अपने को डैश कराती है। 23वां देख लीजिए क्या है, अपने को अभिव्यक्त कराती है, अभिव्यक्त कराना मतलब होता है प्रकट करना या प्रत्यक्ष करना या प्रकाशित करना, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसकी जो आत्मा है वह हमें क्या करती है, प्रकट करती है चीजों को, अपने को प्रकाशित करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त, तो अभिव्यक्त ढूंढ लीजिए कहां दिया गया है, बी में, तो 23 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, अब 2 बज गए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी के 2 करने हैं हमें। क्या दिया गया है, एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का डैश, तो सूर्य का डैश में क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है, रस बिंब चित्र और दर्पण, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सूर्य की किरण है, एक ही सूर्य की किरण है, तो किरण को क्या बोला जाता है, बिंब बोला जाता है। ठीक है, सूर्य की एक ही किरण है, बिंब है, जो अनेक पात्रों में जगमगा रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिंब। उसके बाद देखिए, और एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है, यहां पर भाव होगा, एक ही भावनाएं हैं जो अनेक छंदों में फूट रहा है, वेद उपनिषद रामायण और महाभारत, ये ही वे घाट हैं जहां पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। तो 24वें का उत्तर तो बी हो गया। ठीक है, और 25वें में भाव ढूंढना है, आइए 25वें में भाव देखिए आपके बी में ही दिया गया है, उत्तर आपका
25 मेगा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने बता दिए। अब आज का सवाल जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या दिया गया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया यहाँ पर? तीनों डैश के स्वामी हैं, इसीलिए त्रिलोकनाथ कहलाते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन है, भुवने, धरती, आकाशों और भवनों। ठीक है, तो इनमें से जो आपको सही लगेगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, पोस्ट अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो के लिए बने रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।